नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश में खाद को लेकर सरकार की बैठक होने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी में शासन प्रशासन की हिस्सेदारी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सहकारिता विपणन संघ के माध्यम से खाद का वितरण हो, निजी क्षेत्र से खाद के विपणन में जमकर धांधली हो रही है। कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम है। फर्टिलाइजर को लेकर प्रदेश को हर साल 8 लाख मेट्रिक टन की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ 15% मांग ही पूरी हो पाती है। प्रदेश के लगभग हर गांव के पास सरकार गोदाम में ईमानदारी से सरकार फर्ज निभाए और व्यवस्था में परिवर्तन करे। कहा कि प्रदेश का किसान परेशान है, सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। नमस्कार। मध्य प्रदेश में बोनी के समय हमेशा खाद की किल्लत हो जाती है। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि इस प्रदेश की जितनी भी सहकारी समितियां थी वे अधिकांश ओवरड्यू हो गई हैं, और जो पूरे तरीके से खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होता था, अब निजी क्षेत्रों में भी उसको दे दिया गया है, और वहां पर अधिकांशतः कालाबाजारी हो रही है। ये कालाबाजारी इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश का खाद्य विभाग जिस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है उस पर कोई अंकुश नहीं लगाता है। प्रशासन पूरे तरीके से उसमें अपना हिस्सा पाती लेकर बैठ जाते हैं। इस प्रदेश में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन इस मांग के खिलाफ केवल 1.25 लाख टन उपलब्ध हो पाया। अभी तक 70% खाद की आपूर्ति करती रही हैं संस्थाएं, लेकिन उनमें से अभी केवल 15% खाद मिल पाया है। मैं हमेशा से मांग करता आया हूं कि पूरे फर्टिलाइजर का वितरण सहकारिता के माध्यम से होना चाहिए। शासकीय जो डबल लॉक व्यवस्था है उनके माध्यम से होना चाहिए, विपणन संघ के, तभी जाकर हम लोग ईमानदारी से वितरण कर पाएंगे। क्योंकि सहकारी समितियों का गोदाम हर गांव के आसपास ही रहा है, इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।